नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गोपाष्टमी के अवसर पर डॉक्टर रोहिन की अध्यक्षता में 400 बच्चों ने गौ माता की पूजा की। इस मौके पर काफी लोग जुटे और सभी ने गौ माता की पूजा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर रोहिन ने कहा कि आज गोपाष्टमी पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने गौ माता की पूजा की है। आज 400 बच्चों ने गौ माता की पूजा की और अगले वर्ष हम 4000 बच्चों के साथ गौ माता की पूजा करने का प्रयास करेंगे। अमृतसर से हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर रोहन मेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र गौ रक्षा महासंघ तो। गौ अष्टमी का मौका है तो पिछले साल भी असं गौ अष्टमी से बच्चों को गौ माता का पूजन करवाया सीगा, खुद भी गौ माता का पूजन किया। अज करीब 400 के करीब जोड़ा वा गौ माता का जोड़ा पूजन किया बच्चों ने। साढ़े नाल हाथी गेट DAV स्कूल के बच्चे, रियान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे, शक्ति स्कूल, वो नाल नाल प्रभाकर स्कूल, PBN स्कूल, हिंदू सभा स्कूल, सरस्वती स्कूल, ये सारे स्कूलों के बच्चे से। असं बहुत बहुत थैंक्स करते हैं सब तो पहला प्रिंसीपल टीचर सारे का, तो उन्होंने बच्चों का जो बहुत ही जोड़ा उत्सुक से गौ पूजन के लिए, उन्होंने बहुत ही सीखा कि गौ माता का साढ़े लिए महत्व है। तो असं एक चीज़ समाज के मैसेज देना चाहते हैं कि गौ माता साक्षात जोड़ा सारे देवतावान का जिन्हें वास है, गौ माता का पूजन रोज़ होना चाहिए। एक दिन सिर्फ गौ पूजन वाले दिन ही या फिर गौ अष्टमी वाले दिन पूजन ही करना चाहिए, सानू रोज़ जोड़ा गौ पूजन करना चाहिए। तो अज तक मैं यही चीज़ अपने जिंदगी दे जोड़ा एक्सपीरियंस किया वा, जेड़े इंसान ने गौ पूजन किया ना वो अज तक मिट्टी तो जोड़ा सोना बनया वा। तो मैं सारों इस चीज़ की बधाई देना गौ अष्टमी की, तो उम्मीद करता है कि इस बार जो 400 बच्चे आए हैं अगली बार 4000 बच्चे आने। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।